एक दफा एक कुएं में साहबा कराम जब पानी भरने के लिए रस्सी डालते तो डोल की रस्सी कोई काट देता। आखिरकार साहबा कराम ने ये बात मौला अली अलैहिस्सलाम को बताई तो मौला कायनात ने फरमाया कि ये काम जिन्नात का है। मौला अली उस कुएं पर तशरीफ ले गए और डोल फेंक कर फरमाया कि ये डोल अली इब्ने अबी तालिब का है, इसलिए कोई शरारत ना करना। लेकिन वो बाज ना आए और रस्सी काट दी। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फिकार के साथ कुएं में उतरे और जिन्नात के साथ जंग शुरू कर दी। उस जंग में बहुत से जिन्नात मारे गए और इसी दौरान उनका सरदार भी मारा गया। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके छोटे बेटे को सरदार बनाकर कलमा पढ़ाया और यही वो जाफिर जिन था जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आया। लेकिन मौला हुसैन ने कहा कि मैं अपने नाना की उम्मत को जिन्नों से नहीं मरवाना चाहता और मदद लेने से इनकार कर दिया।